संगम युग का वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे क्या है कि बहुत से लोग जो समझते हैं ना कि परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वो रचयिता है, तो वो हमने बताया कि रचयिता किस अर्थ में है। क्योंकि आप देखिए, हम भी कहते हैं रचयिता और रचना का ज्ञान, द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, हमारे चार्ट्स में भी लिखा हुआ रहता है। तो ये क्रिएटर शब्द जो है ये थोड़ा भ्रांतिकारक है, और उसमें वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि क्रिएशन किसको कहते हैं। सिर्फ क्रिएशन नहीं होती, क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन को लेकर होती है। कोई भी चीज आप मुझे बता दें जिसमें क्रिएशन होती हो, डिस्ट्रक्शन ना होती हो। आपने रोटी बनाई, रोटी बनाई तो आपने गेहूं को क्रश किया, उसका तो नाश कर दिया ना उसको, उसको आटा पीस के गूंद गांध के जला जलू के उसको खा पी के खत्म कर दिया। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि अब पानी आएगा, अगर बर्फ पिघलेगी पहाड़ पर तभी तो पानी आएगा, बर्फ डिस्ट्रॉय होगी तभी तो पानी आएगा। पानी और कहां से आएगा, नेस्ती से अस्थि थोड़ी हो जाएगी। नास्ती की नेस्ती हो सकती है ना नेस्ती की अस्थि हो सकती है। जो चीज है उसमें उसका रूपांतर होता है। मोमबत्ती है, आपने मोमबत्ती को जला दिया, वो पिघल गई और वो गैसेस बन के वायुमंडल में मिल गई, तो आप कहेंगे ये डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, वो गैसेस को अगर हम इकट्ठा कर ले फिर मोमबत्ती बना दे उसके जो वो है। तो कोई भी चीज जिसको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। एक चीज को डिस्ट्रॉय करके आप दूसरी क्रिएट करते हैं। तो वो हमने बताया है कि सातयुग की क्रिएशन और कलयुग की डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है, और किस तरह की क्रिएशन परमात्मा करते हैं। ये जो सृष्टि में मनुष्य को देवता बनाते हैं, ये क्या क्रिएशन है, इसको मॉरल क्रिएशन क्या कहते हैं। उसके हमने बाइबल में से, पुराने ग्रंथों में से, कि इसको भी रचना कहा गया है। इस दृष्टि से भी परमात्मा को और ब्रह्मा को रचयिता कहा गया है। ऐसा नहीं कि बैठ के मटकों की तरह से उसने कुमार की तरह से बनाए, इसलिए उसको कहा गया। वो हमेशा यही मिसाल देते हैं, जितने भी आप दर्शन ले लेंगे आमतौर से रचना का ये अर्थ लेंगे कि कुमार मिट्टी को इकट्ठा करता है, फिर आटे की तरह से पानी लगा कर गूंदता है, गूंद के फिर वो चाक पर उसको सोटी से हिलाता है, हिला के फिर वो अंदर और बाहर हाथ देकर उसको मटके या सुराई की शेप बनाता है। ये रचना का अर्थ वो लेते हैं। उसमें उपादान कारण भी चाहिए, निमित्त कारण भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि वो बताते हैं। तो इस पर को रचना नहीं कहा गया, ये भी एक प्रकार की रचना है, ये स्थूल रचना है, लेकिन परमात्मा को इस प्रकार से रचयिता कहा गया है ये सारा बता के। अब ये समय कैसा है कि जब ये फिर से परमात्मा ने कहा है कि धर्म की स्थापना मैं आके करता हूं, जब अधर्म की अति हो जाती है, और ज्ञान भी तभी दिया जा सकता है जब अज्ञान हो, बिना अज्ञान के ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, ये सारा स्पष्ट किया गया है।